हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बिग अपॉर्चुनिटी को लेकर। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहां पर निकल के आई है जो कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। और आपको हम बता दें कि बैंक नोट प्रेस देवास एमपी में ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो अब सबसे पहला सवाल यही आएगा कि एमपी में निकला है तो ये अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सवाल यहीं समाप्त हो जाता है। ये बैंक नोट प्रेस देवास जो है ये एमपी में स्थापित है, इसलिए एमपी का यहाँ जिक्र किया गया है। अब देखिए, यहाँ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, खास करके आईटीआई वालों के लिए। देखिए, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कई क्वालिफिकेशन को लेकर निकला है। सबसे पहले हम बात करें तो बीई को लेकर निकला है, बीई का यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद में बीटेक का भी है, और उसके बाद में बीएससी का भी है, और उसके बाद में आ जाता है आपका आईटीआई का। तो हम फोकस करने वाले हैं केवल आईटीआई की वैकेंसी पर, और बाकी वैकेंसी को आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको पूरा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने जो आईटीआई वाला सेक्शन है। आईटीआई वाला सेक्शन नंबर ऑफ पोस्ट कोड 5678, ये चार टाइप के आईटीआई के लिए निकला है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए इंक फैक्ट्री में 60 पोस्ट यहाँ पर निकला है जो कि आईटीआई के लिए। और यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में 23 पोस्ट निकला गया है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 15 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी में यहाँ पर 15 पोस्ट है। ये बिग अपॉर्चुनिटी है इस साल का, 2021 का सबसे बेस्ट यहाँ अपॉर्चुनिटी इस समय निकल गया है। देखिए, एज का हम क्राइटेरिया समझें तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने 25 वर्ष रखा है। ध्यान रहे, 25 वर्ष जनरल वालों के लिए है, और ओबीसी एससी एसटी जिनको जैसे कि क्राइटेरिया में छूट एज ए रिलेशन में छूट मिलता है उसी अनुसार मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं हम कि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 100 के करीब हो जाता है। और देन पे स्केल की अगर बात कर ले हम तो यहाँ पर 18,780 रुपये से लेके 67,390 रुपये का यहाँ पर आपको पे स्केल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या आपको आईटीआई वालों के लिए, देखिए बीए बीटेक बीटेक वगैरह के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल आईटीआई पर फोकस कर रहा हूँ, और नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं पूरा। तो सबसे पहले हम आईटीआई के लिए यहाँ पर बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में। देखिए, फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर ये थोड़ा ट्रेड से रिलेटेड है। आपको प्रिंटिंग होना चाहिए, इंक होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रेड आपका होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी होना चाहिए। और जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग वाला भी है, इसमें भी आपको आईटीआई चाहिए। बहुत सारी इसमें यहाँ पर ट्रेड से दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, वो भी आपका आईटीआई एनसीबीटी से ही होना चाहिए। जिसने भी आईटीआई एससीबीटी से किया है उसका मान्य नहीं होगा, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, और कर भी देगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और यहाँ पर बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर हम आपको बता दें फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपको चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हो एलोंग विद 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी। यहाँ पर देखो, इन्होंने ये एक बड़ी बात बोल दी है, यहीं से कंपटीशन बहुत सारा कम हो गया। बहुत सारा नहीं, मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन कम हो गया इस वाली लाइन से। यहाँ पर इन्होंने बोला है एलोंग विद 1 ईयर एनएसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, 2 वर्ष का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है, वो भी एनसीबीटी से, राइट, उसके बाद में आपने 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कर रखा है, किसी भी बोर्ड से किया हो, रेलवे से, यूपीपीसीएल से, डीआरडीओ से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, प्राइवेट कंपनी से, अदरवाइज कहीं से भी, होंडा, सुजुकी, मारुति, किसी भी कंपनी से आपने किया हो, वो आपका चलेगा। लेकिन आपके पास एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों इशू करा दिए जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, 1 ईयर का आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए और आईटीआई चाहिए, दोनों आपको मैंडेटरी हैं, इसके अलावा आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के मैकेनिकल एसी के बारे में। आपको यहाँ पर भी फुल टाइम यहाँ पर आईटीआई चाहिए, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इसमें भी आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप साथ में चाहिएगा। ठीक, यहाँ पर हमने आईटीआई के बारे में बात किया है, तो यहाँ पर आपको बता दें इसका जो स्टार्टिंग है फॉर्म अप्लाई होने का, वो 12 मई से स्टार्ट है और 11 जून तक चलेगा। तो नियर अबाउट यहाँ पे इन्होंने 1 महीना फॉर्म फिलअप करने के लिए दे दिया है। देखिए, इन्होंने टेंटेटिव डेट भी दे दिया है एग्ज़ाम के लिए,
एग्ज़ाम डेट यहाँ पे इन्होंने जुलाई और अगस्त दिया है। अगर पेंडेमिक कोविड यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, और जाहिर सी बात है जुलाई अगस्त तक तो कम हो जाएगा और एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे सभी चीज़ों के, तो यहाँ जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसी को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और उनके लिए ये मौका। देखो NCL में भी एक मौका आया था, बहुत ही लो हाईएस्ट मेरिट, उसमें 100 नंबर का पेपर था और हाईएस्ट मेरिट मार्क्स था एक लड़के का, उसमें यहाँ पे 85 मार्क्स था, 85 मार्क्स 100 में से सिलेक्टेड था, सबसे ज़्यादा इसी का नंबर था। तो इसी प्रकार से आपको नंबर लेके आने हैं, और बाकी 60, 62, 54, 50 नंबर तक यहाँ पर सिलेक्टेड हो गए थे बच्चे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपसे खोनी नहीं चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने।